यदि आप भी अपने नए मोबाइल या पुराने मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल को अपडेट कैसे करते हैं अपने मोबाइल से के बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप अपने मोबाइल को खुद से अपडेट करके अपने मोबाइल को फास्ट और तेजी से यूज कर सके। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप सभी को मैं यह बता दूं कि intihindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूं। तो यदि आपने अभी तक Into Hindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाली हूं। पहली तो आप अपने मोबाइल को अपडेट कैसे कर सकते हैं, और दूसरी अपने मोबाइल में लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे माउस कर्सर को कैसे इनेबल करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो और बाद में आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑन कर लेना है और इसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल की सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन को चुनना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस आपको इसी सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यह आपको अगले पेज पर लेकर चला जाएगा, जहां आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ एक ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। बस आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक न्यू पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखेगा। इसमें आपको सिंपल डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है, और कुछ समय बाद जब यह पूरा डाउनलोड हो जाए तब इसके बाद आपको नीचे के पोर्शन पर दिए गए बटन इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब आप इन सभी स्टेप को पूरा कर लेंगे तब आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि आपका मोबाइल पूरी तरह न्यू अपडेट हो चुका है और आपका मोबाइल काफी तेजी से काम भी कर रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने मोबाइल को अपडेट करें तब आपके मोबाइल की बैटरी 50% चार्ज होना चाहिए। दोस्तों, जब आपका मोबाइल अपडेट हो जाए तब इसके बाद दोस्तों आपको फिर से सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यह चेक करना है कि क्या आपका मोबाइल अपडेट हो चुका है। तब आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको यह लिखा हुआ मिलेगा कि आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, यह तो थी अपने मोबाइल को अपडेट कैसे करें की जानकारी। चलिए अब मैं आपको अपने मोबाइल में कंप्यूटर और लैपटॉप जैसा माउस या कर्सर को कैसे लाएं के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और इसके बाद एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपको इंटरैक्शन एंड डेक्सटेरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आपको एक और पेज खुलकर आपके सामने आएगा। इसमें आपको असिस्टेंट मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपके मोबाइल में असिस्टेंट मेन्यू इनेबल हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, जब आपके मोबाइल में यह मेन्यू इनेबल हो जाए तब आपको इस मेन्यू पर क्लिक करना है और आपको इसमें कर्सर के एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में कंप्यूटर और लैपटॉप जैसा माउस या कर्सर आ चुका है। तो जैसा कि दोस्तों अब आप इस वीडियो के जरिए यह अच्छी तरह सीख चुके होंगे कि आप अपने मोबाइल को अपडेट कैसे कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल में माउस या कर्सर कैसे इनेबल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह का इसे करने में परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर करने से intohindi.com के YouTube चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। साथ ही आप सभी को यह भी बता दूं कि intohindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूं। तो यदि आपने अभी तक Into Hindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।